दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। आज हम आपको बताएंगे सभी दिहाड़ी मजदूरों को सरकार देगी 4500 रुपए हर महीने। जी हाँ दोस्तों, दिहाड़ी मजदूर व रेडी फड्डी वालों को सभी को मिलेंगे 4500 रुपए हर महीने। तो दोस्तों अगर आप दिहाड़ी मजदूर हैं या रेडी चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, तो आपको 4500 रुपए हर महीने सरकार की तरफ से मिलेंगे। तो दोस्तों ये कौन सी सरकार दे रही है 4500 रुपए, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक। ये 4500 रुपए हर सप्ताह के हिसाब से किस्तों में मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ताकि किसी को भी रोजी रोटी की समस्या ना हो सके। तो दोस्तों ये कौन सी सरकार दे रही है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। और दोस्तों नीचे आकर आपको कमेंट में लिख देना आप मजदूर हैं या रिक्शा चलाते हैं या ड्राइवर हैं, तो दोस्तों उसी हिसाब से आपको भी मिलेंगे 4500 रुपए हर महीने। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दिहाड़ी मजदूर रेडी फड्डी वालों को भी मिलेंगे 4500 रुपए हर मासिक। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के कारण जिन यानी दिए गए लॉकडाउन की वजह से गरीब मजदूर और दिहाड़ी मजदूरों को के साथ साथ रिक्शा चालकों की आर्थिक सहायता करने का बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार सभी मजदूरों को, रिक्शा चालकों को, ड्राइवरों को दे रही है 4500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में। जी हाँ दोस्तों, सहायता लेने का बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार श्रमिक निर्माण मजदूरों के अलावा रेडी फड्डी वालों के लिए आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसे लोगों को 4500 रुपए मासिक की आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। ये सहायता 4 किस्तों में साप्ताहिक आधार पर दी जाएगी, यानी कि सप्ताह के आधार पर दी जाएगी। हर सप्ताह इसी हिसाब से मिलेंगे आपको पैसे, ताकि लॉकडाउन के दौरान किसी गरीब के घर में रोजी का संकट पैदा ना हो सके। इलाज करते हुए हेल्थ वर्कर्स की मृत्यु पर 10 लाख रुपए की एक्स ग्लेशिया राशि प्रदान की जाएगी। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन का शिकार गरीब मजदूरों को वित्तीय मदद देगी हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कोरोना की वजह से हुई मंदी में अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट है। दिहाड़ी मजदूरों के अलावा सामान्य मजदूर, रिक्शा, रेडी फड्डी वाले भी उन्हें रोजाना कमाना और परिवार को खिलाना होता है। जी हाँ दोस्तों, रोटी का प्रबंध करना होता है। ऐसे लोगों को भी सरकार ने चिंता की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने चिंता की है। मिंडे मील का राशन घर पहुँचाएगा, यानी मिंडे मील का राशन घर पहुँचाया जाएगा। विद्यार्थियों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे। जी हाँ दोस्तों, मनोहर लाल ने कहा कि सभी BPL परिवार को अप्रैल का महाराशन मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। राशन डिपो के माध्यम से दिए जाने वाले इस राशन को सरकार बायोमेट्रिक सिस्टम से पहले ही भार कर चुकी है। सीएम ने कहा है कि स्कूल में मिंडे मील स्कूलों के बंद होने की वजह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में वह सरकार पांचवी कक्षा तक के विद्यार्थियों के बैंक खातों में 134 रुपए और उनके बाद की कक्षा वाले विद्यार्थियों को 230 रुपए के हिसाब से मिंडे मील के राशन के रूप में नकद भुगतान करेगी। उनका राशन अलग से घर पर भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, परिवार समृद्धि योजना की किस्तों में 2000 रुपए 31 मार्च तक मिल गए हैं। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने के अनुसार सीएम परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रदेश भर में सभी तक 12,38,000 से अधिक परिवारों को पंजीकरण करवाया है। इन परिवारों के बैंक खातों में 4000 रुपए की 2 किस्तें डाल दी है। जी हाँ दोस्तों, डाल दी जा चुकी है। योजना के तहत 6000 रुपए सालाना मिलते हैं। अब सरकार ने फैसला लिया है कि 2000 रुपए की तीसरी किस्त मार्च में पहुंच गई है सभी के खातों में। जी हाँ दोस्तों, निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों पर भी सरकार मेहरबान। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर हैं जो हरियाणा बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्ग निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सीएम परिवार समृद्धि योजना में पंजीकरण नहीं करवाया है। ऐसे सभी मजदूरों को हर महीने 4500 रुपए दिए जाएंगे। पहले सप्ताह 30 अप्रैल से शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, ये 30 अप्रैल से शुरू होगा। इन मजदूरों को परिवार पालन के लिए 1000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि जो परिवार BPL में भी दर्ज नहीं है और इन योजना में भी नहीं है, वे भी 4500 रुपए मासिक के हकदार होंगे। जी हाँ दोस्तों, 4500 रुपए सभी गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से मिलेगा, यानी स्टीव बेंटर व रिक्शा वाले होंगे कवर। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से प्रभावित हुए स्ट्रीट
वेंडर व रिक्शा चालक वालों को भी 4500 रुपए मासिक की मदद मिलेगी। इसके लिए संबंधित जिला में डीसी कार्यालय में पोर्ट पर फार्म भर के अपना नाम दर्ज करवाना होगा। उन्हें 1000 रुपए सप्ताह के हिसाब से मिलेंगे। जी हां दोस्तों, मुखबंधु मिंड मेल का राशन जाएगा घर, विद्यार्थियों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। डीसी ऑफिस में पंजीकरण करवा सकेंगे स्टील वेंडर और रिक्शा चालक। सभी बीपीएल परिवारों को अप्रैल का महा राशन मुफ्त में मुहैया होगा। जी हां दोस्तों, इलाज करते हुए हेल्थ वर्कर्स की मृत्यु पर 10 लाख रुपए की एक्सग्रेसिया राशि मिलेगी। जी हां दोस्तों, अहम घोषणाएं भी की सरकार ने। ठेले यानी ठेके पर लगे कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। ठेके पर लगे कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं होगी। औद्योगिक इकाइयों में लगे वर्कर्स को नहीं हटाया जाएगा। बिजली व सीवरेज में बिजली की बिना सरचार्ज अदायगी 15 अप्रैल तक शुरू होगी। जी हां दोस्तों, 15 अप्रैल से शुरू होगा ये। मोटर बाइकल यानी मोटरसाइकिल के तहत चालान भुगतान की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ी है। स्कूल बसों, टैक्सी व कंस्ट्रक्ट सीजन के जुर्माने में 100% छूट मिली है। जी हां दोस्तों, अगर आप दिहाड़ी मजदूर या रिक्शा चालक हैं या तो आपको हर महीने 4500 रुपए देगी हरियाणा सरकार। जी हां दोस्तों, और राशन घर घर पहुंचेगा और कक्षा 5 तक सभी विद्यार्थियों के बैंक खाते में 134 रुपए आएंगे और इससे ऊपर कक्षाओं में 230 रुपए के हिसाब से दिए जाएगी। जी हां दोस्तों, मिंडे मील का राशन के रूप में नगद भुगतान किया जाएगा और उनका राशन अलग से घर भी भेजा जाएगा। तो दोस्तों, सभी के लिए सरकार कर रही है बहुत सारी योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आप दिहाड़ी मजदूरों को और रेडी चलाने वालों को, रिक्शा चलाने वालों को हर महीने 4500 रुपए देगी हरियाणा सरकार। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।